छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पूर्व सचिव के द्वारा प्रभार ना देने से पंचायत के समस्त कार्यों में भारी समस्याएं आ रही हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर में जिला सीईओ के आदेश की अवहेलना करने पर पंचायत सचिव को निलंबित किया गया था। दरअसल पूरा मामला बलरामपुर जिले के विकास खंड वाडफ नगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मानपुर का है, जहां पूर्व सचिव हीरालाल जिला पंचायत सीईओ के आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिला पंचायत सीईओ के द्वारा 27 फरवरी को हीरालाल सचिव को अलका ग्राम पंचायत के सीसी रोड के विवाद में निलंबित कर दिया गया था। वहीं निलंबित के बाद ग्राम पंचायत कड़िया के सचिव अनिल गुप्ता को प्रभार देने के लिए जिला सीईओ के द्वारा आदेश दिया गया था, लेकिन अभी तक पूर्व सचिव के द्वारा प्रभार नहीं दिया गया है, जिससे पंचायत के समस्त कार्यों में भारी समस्याएं आ रही हैं। इसके बारे में वाडफ नगर के सीईओ के द्वारा भी आदेश किया गया था, लेकिन पूर्व सचिव हीरालाल के ऊपर उन आदेशों का कोई असर नहीं हुआ, जिस वजह से पंचायत में रिकॉर्ड नहीं होने के कारण समस्त आय व्यय में समस्या आ रही है। इसके बारे में वहां के पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा जिला प्रशासन से मांग की गई कि तत्काल प्रभाव से पूर्व सचिव हीरालाल के द्वारा नए सचिव अनिल गुप्ता को प्रभार दे, ताकि पंचायत के कार्यों में बाधा उत्पन्न ना हो। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। समाचार एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं जय कुशवाहा। हम लोग बलरामपुर जिले के विकास खंड वाडफ नगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मानपुर में मौजूद है और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि है जिनकी समस्याएं हैं। हम इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकेंद्र गुप्ता है। सकेंद्र गुप्ता, तो आपका पद? मैं यहाँ का उप सरपंच हूँ। तो उप सरपंच जी, क्या समस्या है यहाँ? सर यहाँ क्या है कि देखिए, यहाँ का भूतपूर्व सचिव जो था हीरालाल मराबी, वो निलंबन हो गया है कुछ किसी मामले में, अलका सीसी रोड के लड़ाई झगड़ा मामला निलंबन हो गया है, और प्रभार के लिए अनिल गुप्ता को आदेश हुआ था, पर आज तक प्रभार नहीं दिया। उसके लिए जिला सीईओ भी आदेश कर चुके हैं, जनपद सीईओ भी आदेश कर चुके हैं, किसी के आदेश का कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ रहा है उसका। जिला सीईओ सर का आदेश कब हुआ था? 27/2020 को। उसके बाद से अभी तक कोई प्रभार नहीं दिया गया उसके द्वारा? उन्हें कोई प्रभार नहीं उसके द्वारा। हम लोग ऐसी ताला वाला तोड़ के कुर्सी टेबल बस किसी तरह ले लिए हैं, पंचायत भवन बस ले लिए हैं, बाकी कोई कागज नहीं दिया अभी। जो पूर्व के सचिव थे जो प्रभार नहीं दिए हैं, प्रभार नहीं देने के कारण पंचायत में क्या क्या समस्याएं आती हैं? बहुत दिक्कत है सर, ये बताइए, पर कोई प्रभार कोई कागज पत्र नहीं मिलेगा, हम लोग कैसे जानेंगे क्या पहले किए हैं, हम लोग को क्या करना है, हम लोग कैसे जानेंगे बताइए ना, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि क्या पंचायत में रहता है, क्या करना होता है। क्या पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा इसके बारे में पुनः जिला सीईओ या जनपद सीईओ को अवगत कराया इस समस्या से? जनपद सीईओ को सर मैं कई बार लिखित में भी दिया, मौखिक भी बोल चुका हूँ, जनपद सीईओ भी कई बार बोले उसको कि प्रभार दे दो भाई, लिखित में भी एक पंचायत इंस्पेक्टर को लिखित में आदेश जारी किया है कि भाई जाके तत्काल प्रभार दिलाओ, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सर। इसके बावजूद भी उस पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, यानी शासन के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है उसके द्वारा खुल के अवहेला किया जा रहा है, जिससे मानपुर में जो कार्य होती है पंचायत से संबंधित वो कराने में यहाँ के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हमारे साथ और बहुत सारे ग्रामीण हैं, इनसे भी बातें करेंगे कि आखिरकार समस्या क्या है, कब तक वो उनके द्वारा प्रभार दिया जाएगा, और जो पंचायत में जो कामें होती हैं जिनमें बाधा उत्पन्न होता है किस प्रकार की होती है, आइए हम इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीत सिंह प्रधान है। जीत सिंह, क्या समस्या है आपकी? सर देखिए, यहाँ बहुत परेशानी है, हमारे पूर्व सचिव जो थे वो किसी कारण बस निलंबन में चल रहे थे, आज भी निलंबित हैं। तो यहाँ जैसे नया पंचायत अपना हुआ चुनाव होने के बाद और उनका निलंबन होने के बाद, तो नया सचिव यहाँ नियुक्त किए गए, तो इनके पूर्व सचिव जो थे वो निलंबन में थे और जिला सीईओ के माध्यम से उनको एक आदेश जारी किया गया कि प्रभार दिया जाए, जब तक प्रभार नहीं मिलेगा तो कोई नया अधिकारी कोई प्रतिनिधि आएगा तो कर तो नहीं पाएगा सर। और वो आज तक 27/2020 को जिला सीईओ सर आदेश किए थे और अभी तक हमारे पूर्व सचिव हीरालाल सिंह मराबी वो आज तक प्रभार नहीं दिए हैं।
मतलब यहाँ साफ देखा जा सकता है कि जो निर्देश जारी हुआ था जिला सीओ सर के द्वारा उसे उनके द्वारा जो सचिव थे उनके द्वारा देखा किया गया। हाँ सर, यानी पंचायत में जो कार्य होती है पंचायत की उसमें बहुत सारी समस्याएं आती है। जी जी जी, तो आपकी मुँह इसमें क्या चाहते हैं आप? सर इसमें तो हम यही चाहते हैं कि अभी वो तत्काल भाई अधिकारी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.